मेरी उम्र कोई 10 थी जब ये मैंने काम शुरू किया था। रेडी लगाई हुई थी छोटी सी, 500 हजार कमाता था माशाल्लाह 5। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन जट ऑफिशियल। गाइस आज हम आपको बताएंगे कि आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या थोड़े से पैसे से कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो भी इस पाकिस्तान में रहते हुए। आजकल लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं पड़ा हुआ, जो भी है बाहर के मुल्कों में है, बाहर चले जाओ वहाँ पे जाके पैसे कमाओगे, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। आपने इनकी बातों में बिल्कुल जो है एतबार नहीं करना। आप पाकिस्तान में भी रहते हुए एक अच्छा ही इनकम कर सकते हैं, एक अच्छा रोज़गार कह लो कि आप अपना कारोबार कर रहे हो तो वो आप नौकरी से बहुत बेहतर होगा और अच्छा रोज़गार भी आप कमा सकोगे। तो गाइज़ आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिसने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से अपना कारोबार स्टार्ट किया और माशाल्लाह एक बहुत अच्छा बिजनेस बना और अपना खुद कमा रहा है और अपने बच्चों वगैरह का पेट भी अच्छे तरीके से पाल रहा है। तो बाकी की वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जी मैं मौजूद हूँ आज लकी फ्रेश जूस शॉप वाले के पास और आइए जानते हैं कि इस बिजनेस इन्वेस्टमेंट के साथ अपना कारोबार कैसे स्टार्ट किया और एक बड़ी दुकान कैसे बनाई। जी भाई आपका क्या नाम है? हसनैन नाम है भाई मेरा। भाई आप बताएंगे ये आपने काम कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया? मेरी उम्र कोई 10 थी जब ये मैंने काम शुरू किया था। रेडी लगाई हुई थी छोटी सी, तो फुल मेहनत करके ये काम किया है, ईमानदारी से किया, अच्छे तरीके से किया है। तो अभी माशाल्लाह ये देखो हम कितना राश डाला हुआ है हमारे पास। हम इधर जूस वाली दुकान बड़ी सारी डाली हुई है, लकी जूस फ्रेश। आइए हम भाई से पूछते हैं कि इस काम को स्टार्ट करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। यार ये मशीनें चाहिए होती हैं, 2-3 ग्राइंडर और बड़ा वाली मशीन चाहिए होती है, ग्राइंडर और ये मौसमी वाली मशीन चाहिए होती है और छोटा मोटा सामान है, फिर माशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाता है। जी भाई आप हमें बताएंगे कि आप पहले कितनी आमदनी कमाते थे और आमदनी कितनी है? यार पहले मैं ये 500 हज़ार कमाता था, माशाल्लाह 5 हज़ार रुपया घर लेके जाता हूँ। जी गाइज आपने देखा कि भाई ने कितनी छोटी इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट किया था और कितनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ये एक मेहनत का फल है, आप पाकिस्तान में रहते हुए भी ये फल हासिल कर सकते हैं और एक अच्छा रोज़गार हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आप बाहर जाएं और बाहर जाके धक्के वगैरह खाएं। आप देख सकते हैं कि दुकान के ऊपर कितना ज़्यादा रश पड़ा हुआ है और ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी शॉप जो है वो मुस्लिम टाउन फैज रोड पर मौजूद है और ये बहुत अच्छा मिल्कशेक बनाते हैं। आप भी ज़रूर आए और इनका जो शेक ट्राई करें, बहुत ज़्यादा लोग जो इनके पास आते हैं। और जी गाइस जिस तरह आपने देखा कि भाई ने एक रेडी से काम शुरू किया था और अब एक बड़ी सी दुकान बनाकर बैठे हुए हैं और इसके अलावा भाई ने बताया है कि 1 से 2 ग्राइंडर की ज़रूरत होती है आपको ये काम शुरू करने के लिए और जो ग्राइंडर होती है वो मैक्सिमम 1500 तक आपको मिल जाती है मार्केट में, तो आप 1500 से भी अपना जो है वो काम शुरू कर सकते हैं एक छोटी सी दुकान लेकर। बात बस मेहनत की होती है, जैसे वो भाई ने बताया कि वो एक दिन में 4-5 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, तो आप भी मेहनत करके जो है वो पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आइडिया पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद आइडियाज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि आप छोटी इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।